संजय गांधी अस्पताल, वहां ले गए तो वहां भर्ती किए, लेकिन आयुष्मान कार्ड जब हम लेकर के गए वहां, हमने कहा आयुष्मान कार्ड कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये कांग्रेस का, राहुल जी का है और ये योगी और मोदी का अस्पताल नहीं है, यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा। और चाचा की तबीयत कैसी है? चाचा हमारे 26 तारीख को ही उनका देहांत हो गया। आपने डॉक्टर के खिलाफ या किसी को बताया नहीं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड तो वो चिन्हित अस्पताल है। हमने आयुष्मान, जो आयुष्मान कार्ड पे वो हेल्पलाइन नंबर है उस पर हम कॉल किए थे, तो उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन वहीं इसका ऑफिस है, वहाँ हम पता किए, ऑफिस भी वहाँ नहीं पता लगा कि कोई बताया नहीं, क्योंकि हम लोग अनजान आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे भी हम लोग नहीं हैं, और एकांग भाई पिछड़ा क्षेत्र है, और यहाँ अब हम क्या बता। तो आपको ये किसने मना किया आपको? डॉक्टर सिद्धार्थ एक है, डॉक्टर सिद्धार्थ ने ही कहा। क्या कहा? कहा कि ये योगी मोदी का सरकार है, ये कांग्रेस का, ये राहुल गांधी का अस्पताल है, संजय गांधी, तो यहाँ कार्ड नहीं, यहाँ कार्ड नहीं चलेगा। आपने कहा चाचा मरने की कगार पे हैं? जी जी, उन्होंने कहा कि यहाँ से लेकर के जा सकते हो। अरे हम लोग वहाँ पांव टक्का जोड़े हैं, उन्होंने कहा यहाँ नहीं होगा। वहाँ 500 जितने मरीज के सब गांव के आए थे, उनके साथ आए थे, 400-500 लोग थे। अब हमारे पास वीडियो नहीं तो अब हमें मरीज हमारा वो था, नहीं तो हम वीडियो बनवाते तो आप देखती दीदी, ये आप समझ लीजिए। और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो हमारे चाचा हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हैं, ये ए रोहित या ये ही हैं, अनाथ हैं ये, या ये ही हैं, ये उनका लड़का है।